हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रीति और आप देख रहे हैं प्रीति श्रीवास्तव स्टाइल मुंबई चैनल। गाइस, मैं आपको कोड लिवर ऑयल कैप्सूल के बारे में फुल डिटेल्स देने वाली हूं कि आपकी स्किन के लिए, आपकी पूरे बॉडी के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है, इसकी यूजेस क्या है, इसके डोजेस क्या है, कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है और क्यों हम इसको लेना चाहते हैं। तो क्या होता है, कितने लोग कुछ भी कह देते हैं ना, ये मेडिसिन खाओ, ये मेडिसिन खाओ, और आपको पता भी नहीं होता कि एक्चुअली हमें खाना क्या है, क्योंकि सबकी बॉडी के लिए अलग अलग है। तो आपको मैं जिस मेडिसिन के बारे में आपको मैं रिव्यू देने वाली हूँ, वो आपको पूरी तरीके से अच्छी जानकारी मैं दूंगी, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में आपको लेना किस तरह से, खाना किस तरह से, और मेन बात यह है कि आपको इसको यूज करना चाहिए कि नहीं यूज करना चाहिए। तो सब बातें मैं आपको पूरे वीडियो में अपने दिखाऊंगी। और हाँ, मेरे वीडियो में इन तक बने रहिएगा। डोंट फॉरगेट डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। कम से कम मेरे इस वीडियो में आपको 50 लाइक दे देना। एक्चुअली में मैंने आपके लिए इतने अच्छे जो बेनिफिशियल मैंने वीडियो जो बनाया है, तो इसके लिए तो आपको 50 लाइक आपको मेरे लिए बनता ही है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट्स में करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो जिसके बारे में बात कर रही थी मैंने, ये है कोड लीवर ऑयल कैप्सूल। सी कोड कंपनी का है ये। तो ये देखिए, इसमें पहले मैं आपको प्राइस का मेंशन कर देती हूँ। देखिए, 291 में एक्चुअली में इसकी प्राइस है, और 300 mg का इसमें कोड लीवर का दिया हुआ रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये देखिए, सी कोड नाम से है। एक्चुअली में इसमें विटामिन ए, विटामिन डी और ओमेगा 3 इसमें फैटी एसिड के लिए ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो इसकी इसमें सब कुछ आपको इसमें देखिए मेंशन कर रखा है कि क्या इसके यूजेस से, इसके डोजेस क्या है। तो 1 से 2 कैप्सूल आपको इसको डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको आपको लेना है। और मैं पहले आपको इसके दिखा देती हूँ कि किस तरह से पैकेजिंग में ये आता है। और ऐसे ही आएगा इसके अंदर में, आप पहले इसको ओपन करेंगे, फिर ये देखिए इस तरह से ये रहेगा पूरा। तो इसकी ये देखिए 110 कैप्सूल्स में ये आपको इस पैकेजिंग में रहेगी। तो आप इसको ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए रहेगा। और आपको मैं दिखा देती हूँ कि इसका कलर जो रहता है अंदर में, कितने अच्छे से ये रहते हैं। और ये देखिए, और आप इसको बिल्कुल अपने डेली डाइट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इस तरह से इसको ये देखिए, ये देखा आपने कितना अच्छे से ये रहता है। इसका कलर देखिए एक्चुअली में कितना अच्छा है। और इस तरह से फिश ऑयल कैप्सूल इस तरह से आती है ये, और इतनी छोटी इसकी रहती है ये खाने की क्वांटिटी में। तो इस तरह से आपको इसमें अंदर में आपको ये मिल जाएगा, ये देखिए, ठीक है ना। अब तो ये हो गई सब चीज़ मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया। अब मैं बता देती हूँ कि आपके इसके बेनिफिट्स क्या है एक्चुअली में, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है ना। तो देखिए, आँखों जिसके कम समय में आँखें जिसकी कमज़ोर हो गई रहती हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट है ये। और जिसको ओमेगा 3 कम्प्लीट देखिए हो नहीं पाता, क्योंकि हमारे डेली के खान पान में एक्चुअली में आवश्यकताएँ जितनी होती हैं पूर्ति, उतनी कम्प्लीट नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए हमें इस मेडिसिन का या सप्लीमेंट्स का मुझे हम लोग को सहारा लेना पड़ता है, जिसको रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बेस्ट है, ये आपको बिल्कुल इसको अपने डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और क्या होता है, 35 के ऊपर इसके जितने भी वुमेंस हैं उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, थकावट हो जाती है, काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आप डेली इसको भी ले सकते हैं, और इससे आपके सबसे पहले देखिए नेल्स बहुत अच्छे होंगे, आपके हेयर अच्छे होंगे, अब जो बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो जाती है, आपकी स्किन पर ग्लो आता है, आपकी स्किन में चमक बनी रहती है, आपके चेहरे पे झुरियाँ रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टाइम तक इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप मेरे कहने पे आप प्लीज ये वाला एक छोटा डब्बा आप लेकर के इसको यूज करिए, इसके बाद आपको बेनिफिट्स आपको खुद ही दिख जाएंगे। तो मैंने तो इसको 2 साल इस्तेमाल किया है और मैं अभी भी कर रही हूँ। तो मेरी ये खत्म हो गई थी, तो ये इसकी मैं पैकेजिंग लेकर आई थी मैं, अभी मुझे 1 हफ्ता हुआ है इसका इस्तेमाल करते हुए। तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमेगा 3 देखिए, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, क्योंकि मछली के तेल का ऑयल होता है, फिश ऑयल है, तो जो नॉन वेजिटेरियन जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे ना, तो वो आप
वेजिटेरियन से भी आप अपनी इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। आपको अखरोट में मिल सकता है, तिल में मिल सकता है, और आपको जो अलसी के बीज आते हैं फ्लैक्स सीड्स में, उसको भी खा के आप अपने ओमेगा 3 के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। देखिए डेली बेसिस पे जो हम लोग खाना खाते हैं ना, एक्चुअली में सरसों के तेल से बनता है, तो उसमें क्या होता है ओमेगा 6 ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है, तो जो हमें ओमेगा 3 की जो हमें रिक्वायरमेंट होती है उससे पूरी नहीं हो पाती, तो उसको पूरा करने के लिए आपको इसके मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, ताकि आपकी स्किन की जितनी रिक्वायरमेंट है ओमेगा 3 की वो पूरी हो सकेगी। ऑल ओवर देखा जाए आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, गुड कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। सबसे मेन तो आपकी स्किन के लिए, आंखों के लिए, इसमें विटामिन ए और डी की जो मात्रा है ना, वो हमारे पूरी बॉडी के देखा जाए बहुत अच्छे से वर्क करता है। क्योंकि देखिए विटामिन ए की कमी तो स्किन में झुर्रियां आ जाती है, रिंकल्स आते हैं, आंखों की कमजोरी के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जितना हम खाने से उसको पूरा नहीं कर सकते हैं शायद ना, तो इसीलिए इसकी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। इसमें मेंशन है 1 से 2 कैप्सूल डेली लेना है। देखिए मैं 2 कैप्सूल इसकी लेती हूँ एक्चुअली में, एक मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद और डिनर के बाद। खाने का तरीका यही है कि अगर आपको 1 कैप्सूल लेना है तो 1 कैप्सूल भी ले सकते हैं, अगर आपको 2 कैप्सूल लेना है तो आप 2 कैप्सूल भी ले सकते हैं, तो इसके हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट होगी। डिनर करने के जैसे कितने लोगों डिनर करने के आपको एक चीज ध्यान रखना है, डिनर करने के तुरंत बाद ही आपको इसको लेना है। ये नहीं कि डिनर आपने कर लिया तो उसके आधे घंटे बाद तक आप ले रहे, नहीं। कितने लोग देखिए 1 रोटी खाते हैं उसके बाद ये कैप्सूल खाते हैं, उसके बाद फिर अपने 1-2 रोटी को फिनिश करते हैं। इस तरह से भी आप खा सकते हैं, अपने खाने के बीच में भी इसको लेके आप खा सकते हैं। जैसे 1 रोटी खाया, 1 कैप्सूल खाया, फिर आप अपने बाकी के डिनर को फिनिश कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना तो आप पूरा डिनर फिनिश करने के बाद में फिर आप इसको तुरंत ही इसको आप खा सकते हैं। इसका जो खाने का है 1 से 1.5 महीने में, आई थिंक 1.5 महीना लग जाता है एक पूरी बोतल खत्म होने के लिए। इसके बाद आपको इसको फिर आपने न्यू परचेस कर सकते हैं खाने के लिए। तो आपके देखिए हर तरह के सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। मेरे लिए तो ये ज़्यादा वर्क करता है, नेल्स है, हेयर है, स्किन के लिए, चमक के लिए चेहरे पे, और बहुत सारे रिंकल्स है जो आंखों के नीचे जो फाइन लाइन छोटे छोटे हो जाते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो ये मैंने देखा, मैंने यूज करा, इसीलिए सोचा कि मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा खाने से पहले, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो। अदरवाइज देखा जाए तो ये कैप्सूल बहुत अच्छा है, बहुत तरीके से वर्क करता है बॉडी पे ये, तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसको खा ब्रेकफास्ट में बिल्कुल आप खाइए, तुरंत खाने के बाद में खा सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी देखिए नहीं खाएंगी, और या फिर कोई आपको ऐसे हेल्थ इशू है जिसका आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आप इस मतलब पर्पज से भी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी आप हेल्थ ज़्यादा इशू प्रॉब्लम है, अगर आप ऐसा कुछ ले रहे हैं तो आप इसको ले रहे तो मत खाइए, अगर नहीं ले रहे हैं तो आप खा सकते हैं। तो ऑल ओवर ये देखिए बहुत अच्छा है, इसमें सब कुछ इम्यूनिटी के लिए, सबसे देखिए इम्प्रूव इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। और इसकी जो सेल्फ लाइफ है आप देख सकते हैं 2020 में इसकी सेल्फ लाइफ है 3 साल की, इसकी देखिए सेल्फ लाइफ है, आराम से ये चल जाएगा काफ़ी, और बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छे से वर्क करता है। सब कुछ इसमें देखिए इसमें मेंशन हुआ है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि विटामिन ए डी ओमेगा 3 सब कुछ इसमें है। तो सेनेफो कंपनी का ये चीज़ है एक्चुअली में, तो ये बहुत अच्छा ब्रांड है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप सबको आपको मेरा ये रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो मेरे से आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मैं ज़रूर आपको इसका बताऊँगी किस तरह से आपको करना है इसका। तो इस वीडियो पे कम से कम मेरे को 50 लाइक कर दीजिएगा गाइस, ताकि आपको इससे अच्छी अच्छी वीडियोस में आपको बना के देते रहूँगी। तब तक मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।